सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे ही रहना। सो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च। सो गाइज, भाइयों का बर्थडे दोनों का, दोनों मार्च, 2 मार्च में आता है ना दोनों का। सो भाई का बर्थडे है दोनों का, अल्फेज एंड उबेद दोनों का। सो बस यार, अभी देखते हैं, एक दो और जन का बर्थडे है, एक हमारी आफरीन नप्पी का भी बर्थडे है। सो उनके लिए जो है गाइज, मैं कुछ बना रहा था बैठ के, पास दिख रहा है यहाँ पे बन रहा है, सर्कल दिख रहा है। सो उसके लिए फ़ोटो, उनके लिए फ़ोटो फ्रेम, मतलब एकदम अपने हाथ से बना रहा हूँ मैं। आइडिया है यार, क्या कर सकते, दिमाग है मानते ही नहीं है, सोचा बना ही लेता हूँ। तो उनके लिए बन रहा है। एंड भाई, हाँ भाई लोग नहीं है, वो लोग ट्यूशन गए। सो गाइस, हम मैंने डिसाइड किया है कि भाई लोगों के लिए जो है ना यार, मैं शूज़ वगैरह दूंगा, बिकॉज उन लोग के पास शूज़ वगैरह नहीं है और वो लोग कम, मतलब मेरे शूज़ पहन के जाता है उबेद, है ना, उसको मेरे शूज़ आ जाते हैं, अल्फेज़ को जो है उबेद के शूज़ आते हैं, तो उन लोग के पास शूज़ भी नहीं अच्छे खासे। सो मैं सोच रहा था जो है शूज़ उन लोग के लिए अच्छे से अच्छा शूज़ देखेंगे। खैर, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। मेरा क्या प्लान है, इसको सर्कल में काटा है। एंड ये है गाइस, ये कैट, कैट का जो ईयर्स होता है ना वो है ये, लाइक ऐसे, ये देखो। सो गाइस, कुछ इस तरीके से ये लगने वाला है। सो प्लीज़ प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों को जो है ये कैसा लग रहा है। एंड गाइज, ये जो दूसरा सर्कल है ये इसके ऊपर में ऐसे में आएगा, थोड़ी सी जो मोटाई है वो थोड़ी सी हम लोगों ने बढ़ा ली है इसमें, बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड जैसा मैं सोच रहा हूँ बस वैसा ही हो, इसके बीच में मैं लाइटनिंग भी लगाने वाला हूँ। खैर गाइज, अभी जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 6:10 का। एंड हम लोग का जो काम है वो काफ़ी हद तक फिनिश भी हो चुका है, ये देख सकते हो। ये मतलब सेम कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, ये रहा। सो गाइज, ये मम्मी को गिफ्ट मिला था, खैर मतलब ऐसा उठा के थोड़ी दे सकते। सो गाइस, मैंने सोचा कि इसको मैं खुद बनाऊंगा, बिकॉज यार खुद के बनाई हुई चीज़ अच्छी भी लगती है और किसी को दे तो उनको भी अच्छा लगता है। सो अभी देखो, ये मैंने नीचे LED के वायर भी निकले, अंदर दिख रही है देखो स्ट्रिप, ये देखो अंदर स्ट्रिप है, ब्लू कलर की है। सो बनाया है। खैर अभी इसका स्टैंड बन रहा है, आई मीन जिसके ऊपर ये ऐसे यहाँ पे ऐसे स्टेबल खड़ा हो पाएगा इस तरीके से, इसका यहाँ नीचे भी मैं स्टैंड बना रहा हूँ। सो खैर गाइज, अभी जो टाइम है वो हो चुका है 7:43। एंड नमाज़ पढ़ के मैं जो है नाश्ता करके सब फारिग हो चुका हूँ। सो खैर गाइज, मेरा अभी जाने का प्लान पता क्या है, सबसे पहले हम लोग को जाना है निखिल के साथ कुछ सामान लेने। हम लोग की जो आफरीन दीदी है उनका भी बर्थडे है ना, तो उनके उनका ही वो गिफ्ट वगैरह लेने जा रहे हैं। सो फर्स्ट पहले जाके हम लोग वो लेके आते हैं, उसके बाद जो मेरा और जो काम वगैरह है वो मैं उसके लिए निकलूँगा। सो हे गाइज, अभी जो टाइम है वो हो रहा है रात का। एंड अभी मुझे जो है कोई काम से जाना पड़ रहा है अबू जान के। सो अभी जो है हमारा दोनों काम नहीं हुआ है, एक तो गिफ्ट नहीं आया अल्फाज के, और दूसरा जो है हमारी आफरीन अप्पी का जो है, मतलब जो मैं चीज़ बना रहा हूँ वो चीज़ भी नहीं बनी है। सो ये व्लॉग जो है इसमें कल कंटिन्यू करता हूँ। सो मिलते हैं कल सुबह या कल दोपहर, अभी आई डोंट नो कल मैं कब व्लॉग स्टार्ट करूँगा। सो खैर मिलते हैं कल। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो जैसा बताया था कल दोपहर या सुबह तक स्टार्ट होगा, तो आज सुबह में स्टार्ट हो रहा है। सो खैर गाइस, मेरा जो पूरा सिस्टम है वो सूख रहा है अच्छे से। एंड गाइज, इसके ऊपर जो है मैंने 2 बार पेंट मारा है। सो एक सुबह सुबह 6 बजे मारा जब मैं उबेद को छोड़ के आया स्कूल। एंड ये देखो, इन सब पार्ट्स पे भी मार दिया मैंने पूरा। बताएगा इस, सच बताओ ना, मेरे को पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है, मेरे को खुद से कोई चीज़ बना के देना ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये बहुत अच्छे से बन रहा है मालूम है, बस ये पेंट जल्दी से सूख जाए ना, फिर अपन इसका जो नीचे का स्टैंड है और वो कान जैसा जो आपको दिखा ना, वो डोरेमोन के कान की तरह ऊपर लगेगा। सो वो चीज़ भी लगा दूंगा। लिटरली गाइस, बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है फाइनली, तो ज़रूर देखना और कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बता देना आपको ये चीज़ कैसी लगी। सो बस अभी जो है पहले काम करते हैं, क्योंकि पंखा वगैरह जो है आज ख़राब हो गया। सो अब्बा अभी न्यू लेने गए हैं, तो वो लेने आएंगे, वो लेके आएंगे तो वो भी लगाना है। और आज जुमा भी है, जुमा भी पढ़ने जाना है, तो सबसे पहले नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। सुना तो गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं। एंड जस्ट अभी आए पापा, एंड आते ही साथ एक और मस्त चीज़ मिली। एंड गाइस, जो मस्त चीज़ है वो है ये रिमोट से कंट्रोल होने वाला पंखा। अब पता नहीं पापा को क्या सोचा, क्यों लेके आए। सो अनबॉक्सिंग करते हैं, वहाँ देखा ही होगा ना पापा ने यार खोल के, न्यू रॉड। सो ये पुरानी वाली जो है ये हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, ये है। और इसके ऊपर की ये वाटी है, ये रहा अपना रिमोट से कंट्रोल होना। अरे यार कैसे निकालूं, फाइनली यार इसमें मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इसमें रिमोट से कंट्रोल कैसे होगा पर। एंड गाइस, बाकी इसके साथ जो है यहाँ पे हम लोगों को 2 बैटरीज मिली है, ये रही नल्ले वाली। एंड ये रहा इसका रिमोट जिससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। वाह, टाइमर लगाने के लिए भी है, LEDs। ओ भाई, LEDs भी जलेगी, शिट मैन। लेट्स सी गाइस, अभी देखते हैं और भी ओपन करते हैं एंड इसके अंदर क्या है।
आई थिंक गाइस इसके अंदर कंट्रोलर है। हाँ कंट्रोलर है, ये हम लोगों को फिट करना पड़ेगा। एंड गाइस ये जो पंखे को फिट करने का काम है वो मेरा है, क्योंकि मैं ही करता हूँ, पापा चढ़ते नहीं है, मेरे को ही चढ़ाते हैं, सो मैं ही करने वाला हूँ ये पंखा फिट। अभी देखते गाइस, मुझे तो देख के इसको बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, मज़ा आने वाला है यार। सो गाइस अभी मैंने डिसीजन लिया है और एक्साइटमेंट, अब इसको स्टार्ट करते हैं अपनी एक्साइटमेंट में। तो हम लोग ने डिसीजन लिया, हम लोग 2 बजे वाली में उमर मस्जिद में जाएंगे, बाजू वाली मस्जिद में। सो 1 बजे वाली में हम लोग नहीं जा रहे, सो फटाफट से ये काम स्टार्ट करते हैं। पंखा देखो खोल के नीचे रख दिया है, खैर अभी पंखड़ी वगैरह सब खोलते हैं एंड इसको ऊपर लगाना शुरू करते हैं। हम लोग ने सोचा वो जो झूमर है ना वो भी ख़राब हो गया, उसका जो लाइट का वो आता है ना सिस्टम, आई थिंक आपको दिखेगा भी नहीं, सो वो जो है वो ख़राब हो गया एंड झूमर की लाइट भी नहीं जल रही है। सो मैंने अभी डिसाइड किया है वो झूमर निकाल रहे हैं, और पापा ने भी बोल दिया झूमर निकालो, ये पंखा बीच में लगाएंगे, लेट्स करते हैं। वैसे पसीना देख रहे हो, हालत ख़राब। सो फाइनली गाइस ये जो डंडी है मैंने यहाँ से निकाल के वहाँ लगा दी, इसके न्यू जो मतलब ऊपर का हुक होता है उसके साथ। ये देखो दिख रहा होगा न्यू गोल्डन कलर का, और ये तो काला हो गया बेचारा। हाँ सो वो न्यू लगा दिया है, और बस अभी पंखे के अंदर जो है ये पंखड़िया ज्वाइन करना बाकी है। लिटरली गाइस पता है ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बाकी मैं मतलब पहले ऐसे मैं देखा है बट रिमोट से कंट्रोल होते हुए ना फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और इसमें लाइटनिंग का जो सिस्टम है मेरे को वो समझ नहीं आया, बिकॉज इसके अंदर जो है देखो LED का भी रिमोट दिया गया है। अब पंखड़ी के अंदर LED है या फिर, एक सेकंड यहाँ पे देखो बीच में कुछ बना है, मेरे को यार यहाँ का सिस्टम लग रहा है यहाँ LED ना हो। हाँ राजा, वाह बेस्ट, अभी लगाते इसमें फटाफट। माता छोड़ कर आना पड़ा बिकॉज जैसे मैंने सोचा था उतनी देर में नहीं हुआ, बिकॉज गाइस हम लोगों को बाकी के 10 मिनट जो है सिर्फ और सिर्फ एक नट खोलने में लग गए, बिकॉज वो नट इतना जाम था न्यू पंखे के अंदर, न्यू पंखे के जो वो होते हैं रॉड उसके अंदर इतना तगड़ा नट जाम था, क्या कर सकते बताओ। अभी पापा को भी नहीं बोल सकते, कोई नहीं मैंने खोल लिया। वो खोलते साथ अभी देखा तो 140 कुछ हो गए, सो फटाफट से निकलना है बिकॉज बहुत लेट हो चुके हैं, जुम्मे की नमाज़ वरना निकल जाएगी और जुम्मे की नमाज़ फिर नसीब भी नहीं होगी। सो फटाफट से निकलते हैं और आपसे आके मिलते हैं जुम्मे के बाद। होप गाइस फाइनली हम लोगों ने ये पंखा लगा दिया, लिटरली गाइस अभी इसको टेस्ट करने की बारी है, काम मेरा किया है, इंशाल्लाह वर्क ज़रूर करेगा। सो लेट्स सी, सब टेस्ट करते हैं। अभी रिमोट के अंदर गाइस हम लोगों ने सेल वगैरह सब डाल दिया है, देख रहे हो यार रिमोट कितना डिजिटल है इसका, कितना अलग ही है। एंड गाइस ये पंखा देख रहे हो, नॉर्मली जो पंखा था ना ये देखो ये पुराना वाला, इसकी पंखड़ी इतनी है और इसकी देख रहे हो इसकी इससे डबल है, इतनी लंबी इसकी पंखड़ी है। एंड गाइज LED का जो मतलब है ना आई थिंक, क्योंकि अभी मैंने वहाँ चालू प्लग ऑन किया ना तो LED का मैंने पहले बटन दबाया था तो सिर्फ बीच में एक LED चल रही थी। लेट्स सी अब जो है ये वीडियो स्टार्ट करते एक बार, आई मीन पंखे को स्टार्ट करते। LED जली, ये धीरे धीरे करके घूमना स्टार्ट, इसके अंदर DC मोटर है गाइज, AC को ये DC कन्वर्ट कर रहा है। ओ भाई ऑसम। एंड गाइज यहाँ से अपन नंबर सेट कर सकते हैं कितने नंबर पर हमको घुमाना है। बूस्ट बी मतलब गाइस बूस्ट मतलब बी पे मतलब जो है फुल पावर ये घूमने वाला है, अराउंड इसको 4 नंबर पे कर देते हैं। सो हाँ स्पीड देखो कम हुई है गाइस, स्पीड कम है। एंड 5 नंबर दबाते हैं, बढ़ रही है धीरे धीरे करके, देखो स्पीड बढ़ी है इसकी। और ये बी दबा देंगे तो गाइस बूस्ट है मतलब फुल पावर स्पीड, जो इसकी फुल स्पीड है 5 से भी ज़्यादा, लास्ट स्पीड पे ये अपनी फुल स्पीड पे घूम रहा है। एंड ये LED मतलब ये सिर्फ ये एक बटन जो है ये LED चलती रहेगी, ऐसा LED का मतलब है। और बाकी ये टाइमर है, स्लीपर मोड है, टाइमर का भी हम लोग ने टेस्ट नहीं किया, स्लीपर का भी टेस्ट नहीं किया, वो सब रात में टेस्ट करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है एंड लिटरली बहुत सही दिख रहा है। सो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं पहले फेविक्विक लेने, बिकॉज पेंट मैंने देखा वो जो है थोड़ा अच्छे से सूख चुका है। सो अब जो मेन है उसके कान लगाना, डोरेमोन नहीं है वो, बट मैंने थोड़ा सा लुक अलग देने की कोशिश की है। सो कान जैसा भी डोरेमोन का वो लगाना है एंड नीचे जो स्टैंड है वो लगाना है। फिर गाइस फेविक्विक लेके भी आ गए, इतने में अभी एक और पार्सल आया, आई थिंक इसके अंदर हॉर्न होगा, अल्फिस ने एक हॉर्न मंगवाया था मुझसे बोल के, सो वो आ गया। खैर अभी इसकी फर्स्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। यार आज के दिन क्या क्या हो रहा है, न्यू फैन मतलब नई चीज़ बन रही, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है यार, चलो कोई अच्छा अच्छी है। और क्या कर सकते, जो चीज़ दिखती है वैसी रियल में भी नहीं होती ना। ये देखो यार यहाँ पर मारते भी ऑफलाइन परचेज कर सकते थे यार, 200 का पर्सन है फाड़ी का। सो गाइस कुछ इस तरीके का है ये, कुछ इस तरीके वाला होना ये ऐसा वाला, कि इस पे प्राइस लिखी होगी क्या डब्बे पे, नहीं
पता चल जाएगा। चलो कोई नहीं, ओपन करते हैं, बजा कर देखते हैं। अच क्यों नहीं रहा है? अरे सेल्स हो गया यार, 2 सेकंड के लिए मैं डर गया था। बाद में जब ओपन किया तो पता चला यहाँ सेल्स डलते हैं छोटे वाले। भाई मैं डर गया था, मैंने बोला क्या कांड हो गया। डालते इसमें सेल्स कैसे जाएंगे? ये वाला इधर आएगा अभी। सो गाइस फाइनली इट्स वर्किंग, ये देखो। यार चिल्लाएंगे मम्मी, कोई नहीं, आवाज़ अच्छी यार, तेज़ है इसकी आवाज़। और मैंने रिमोट के सेल डाले इसमें। होप गाइस रात हो चुकी है एंड फाइनली ये बनकर रेडी हो चुका है, देख रहे हो गाइस। पर गाइस एक बार कमेंट्स करके बताना कैसा लग रहा है। ये अंदर का एरिया थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है अभी, मतलब वो फ़ोटोज़ लेके आने, मुझे निकल आने वाला है अभी थोड़ी देर में, वो आएगा तो हम लोग फ़ोटोज़ लेने जाएंगे। फिर यहाँ अंदर जो है वाइट पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर फ़ोटोज़ लगाएंगे। सो लाइक दिस ऐसा दिख रहा है, ये देखो कैसा लग रहा है गाइस। एक बार कमेंट्स करके प्लीज़ बताना, लिटरली पता है गाइस बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा गाइस। ये सब चीज़ें जो है ना मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ, बट मुझे क्या चाहिए, लगातार काम चाहिए। और इसको जो है मैंने लगातार नहीं किया, करीब 2 से 3 घंटे मैंने सिर्फ लगातार काम किया, तब जाके इसकी अच्छे से शेप आई है और अच्छे से शेप में बना है। बस यार दुआ करता हूँ वो दीदी को पसंद है। लाइट बंद करके एक बार देखते। ओ भाई शिट यार, ओ भाई क्या प्यारा दिख रहा है। एक सेकंड पर्दा लगा देते, ये देखो गाइस, ये देख रहे हो कितना औसम दिख रहा है। एक फ़ोन की भी लाइट बंद करता हूँ। सो गाइस फ़ोन की भी लाइट बंद कर दी, लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा औसम दिख रहा है सच्ची। ये देखो लाइट कम करने पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बाकी गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मालूम है बहुत ही ज़्यादा ब्लू। एक तो कलर इसका ब्लू है, अंदर से जो लाइट है वो भी ब्लू है, तो ब्लू लाइट होने की वजह से ना जो शाइन बहुत तगड़ा मार रही है। देखो दूर से पता है गाइस मेरा जो प्लान था इसको पिंक करने का था, बिकॉज मैंने सोचा पिंक कलर का अच्छा भी लगेगा एंड पोकेमोन भी एक पिंक कलर का जो कुछ इसी तरीके का दिखता है। सो मैंने सोचा था पिंक कलर का कर दूंगा, दीदी को पसंद भी आएगा, पिंक कलर फेवरेट भी होता है। तो फिर बाद में पता चला था उनका कलर ब्लैक फेवरेट है, और मैं इसको जानबूझ के ब्लैक नहीं किया, बिकॉज गाइस मैंने ब्लैक कलर इसका एक देखा था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अजीब था। एंड ब्लू कलर देखो अच्छा भी दिख रहा है, शाइन भी मार रहा है एंड अच्छा भी दिख रहा है, और वो जो था ना कलर बहुत बेकार था। मेरे से ना यार एक गलती हो गई थी, ये साइड का जो है ना थोड़ा सा अजीब मतलब थोड़ा सा देखो हल्का सा एकदम ऐसा अलग सा दिख रहा है, क्योंकि ये साइड का गलती से मैंने हिस्सा चिपका दिया था, और चिपकाने की वजह से जो है वहाँ ग्लू लगा है ना, तो वो थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है। सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है, बिकॉज वो बैटरी निकालने की जगह है। बस अब रह गया एक और काम, और वो है हम लोग का बर्थडे गिफ्ट लाना, वो भी दे लोग अंदर है ना इसके लिए। सो एक और काम रह गया है, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे। अभी निखिल को फ़ोन मारा है, वो थोड़ी देर में आ रहा है, बिकॉज वो क्लासेस से निकला है। सो वो थोड़ी देर में आएगा, तो उसके साथ पहले फ़ोटो उठा के लेंगे, फिर वहीं पास में ही कोई शूज़ वाला है वहीं से शूज़ लेंगे। अभी हम लोग शॉप पर, तो वो आते ही होगा। सो बस वो आएगा तो इसमें बस फोटोज चिपका देंगे। एंड गाइज एक और चीज़ है, तो इसके ऊपर गाइज मैंने कांच लगाने का सोचा था, तो इसका जो गाइज कांच का इंतज़ाम नहीं हो पाया। बाकी मेरा प्लान था मैं ऊपर कांच भी लगाऊंगा, अच्छा दिखेगा। सो गाइज ये व्लॉग तो मैं बस आज के दिन ही एंड कर दूंगा, बाकी अगर कल हुआ तो उन लोगों को गिफ्ट देने के मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट व्लॉग बना दूंगा। बस ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगा, बिकॉज भाई आगे पढ़ना भी, एग्ज़ाम वगैरह भी है। सो 2-3 दिन का ही व्लॉग था बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। सो फाइनली गाइस ये देख सकते हो चोमू को ये आ गया। बस अभी जाते हैं इसके घर पे एंड वहीं जाके पूरा चिपका के फिर उसके बाद दीदी को देते हैं लोग वगैरह लगाने के बाद। सो बस अभी चलते हैं जाके पहले दीदी को देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कैसा दिख रही है। खैर गाइस अभी आ चुके घर पर, हम लोग घर पर गए थे पर उनके जो है अब्बू जान थे और अम्मी भी, मतलब अम्मी तो रहती हैं अब्बू जान थे, सो इस वजह से हम लोग नहीं दे पाए। सो इंशाल्लाह अगर कल हुआ तो मैं कल का भी ब्लॉग बनाता हूँ। खैर इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। खैर यार मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल जो आने वाला है कल देखते हैं। चलो टाटा।